10 जिलों और 22 विधानसभा क्षेत्र में निकलने वाली कमलनाथ संदेश यात्रा शनिवार को कुरवाई पहुंची। कमलनाथ संदेश यात्रा का नेतृत्व कर रहे पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने भोसारा रेस्ट हाउस पर प्रेस वार्ता की। कमलनाथ संदेश यात्रा मध्य प्रदेश की सत्ता परिवर्तन यात्रा साबित होगी। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 150 से अधिक सीट लाकर कांग्रेस सरकार बनाएगी। दामोदर सिंह यादव ने कहा, कमलनाथ संदेश यात्रा का ये प्रथम चरण है। हर एक चरण का मुख्य उद्देश्य भाजपा के बड़े नेता का विकेट गिराना है। 10 जिलों की 22 विधानसभा में 50 सभा की जाएगी। इन सभाओं का मुख्य उद्देश्य 15 माह की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना और साथ ही आगामी चुनाव के लिए कमलनाथ के वचनों का प्रचार प्रसार किया जाना है। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। बीजेपी की फितरत है, हर राज्य में वो खरीद फरोख्त करती है और चुनी हुई सरकारों को गिराती है। उसको लोकतंत्र से, संविधान से कोई लेना देना है नहीं। ये भाजपा वो भाजपा नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा थी, जिन्होंने कहा था कि ऐसी सरकार जिसमें पार्टियों को तोड़ना फोड़ना पड़े, दबाव बनाना पड़े, खरीद फरोख्त करना पड़े, उसको मैं चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोकतंत्र संविधान से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सरकार बनाना है तो दबाव से बनाना है, पैसे से बनाना है। इसके दो बड़े नेता 150 से अधिक सीटें लाएंगे, किसी कीमत पे कोई सरकार हमारी नहीं गिरा पाएगा। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के विरोधाभासी बयान आए। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बोलते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ, दूसरी तरफ सज्जन सिंह वर्मा उनकी बात को काटते हुए बोलते हैं ये सार्वजनिक निर्णय हुआ। हमारी बारे में आपका क्या? हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का हक है और सबको सपने देखने का भी हक है। गोविंद सिंह जी का जो बयान आया था लीडर अपोजिशन का, वो कह रहे हैं कि हमारा बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया किसी ने। अब जो भी हो, जो भी उन्होंने बयान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।